दोस्तों, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन एंड ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच में जो वुमेन बीबीएल का नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, यहाँ पे टाइला व्लेमेनिक को 24% सिलेक्शन के साथ और बेलिंदा वेकरेबा को 9% सिलेक्शन के साथ जनता अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, जिनसे आपको पता चल जाएगा ये कौन से सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होंगे एंड कब इनको टीम में ट्राई करना है, ताकि स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में ये आपको बेहतरीन विनिंग करवा के दे सके। और तो और दोस्तों, 100 सवाल का एक सवाल ये भी बन जाता है कि हमें दोनों विकेट कीपर्स के साथ जाना चाहिए या 4 ऑलराउंडर्स के साथ। अब देखिए, दोनों विकेट कीपर लेंगे तो 4 ऑलराउंडर्स नहीं ले सकते। अगर आप 4 ऑलराउंडर्स लेना चाहते हैं तो एक ही विकेट कीपर के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब दोनों में से किसी एक विकेट कीपर को आप चूज़ करना होगा। कौन से विकेट कीपर को कब ट्राई करना है, रचल प्रेस्ट को लेना है या जॉर्जिया रेडमाइने को, इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, इस मैच के बारे में बात कर लेंगे तो ये मैच खेला जाएगा सुबह 11:20 पे, मतलब 10:50 को लगभग इसका टॉस हो जाएगा, प्लेइंग 11 आ जाएगा, जो कि बैटिंग ऑर्डर के साथ आपको शेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एंड इस मैच का जो मेरा फाइनल टीम होगा वो मैं शेयर कर दूंगा डेडलाइन के ठीक 5 मिनट पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी आप ये वाले वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो वाला साइन आपको देखने को मिलेगा। उस एरो वाले साइन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों जगह ही आप जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे डेडलाइन के ठीक 5 मिनट पहले इस मैच का फाइनल टीम आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, वेन्यू के बारे में बात कर लेंगे तो यूटीएस स्टेडियम, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मेनिया स्टेडियम लॉन्सेस्टन में ये मैच खेला जाएगा। T20 डोमेस्टिक मैचेस यहाँ पे 6 खेले गए हैं वुमेन बीबीएल के पहले तक, जहाँ पे बैटिंग सेकंड करने वाला टीम ज़्यादा बार जीता है। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 140 का रहा है। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो 150 एंड 170 के बीच में ज़्यादातर केसेस में स्कोर्स बने हैं। दोस्तों, जो इस वुमेन बीबीएल के पहले तक यहाँ पे कुछ मैचेस खेले गए थे, वहाँ पे ओवरऑल अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 5 में से 2 बार जीता है और बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम भी 5 में से 2 बार जीता है। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 23 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 16 विकेट मिले हैं। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 10 विकेट मिले हैं। ओवरऑल पेसर्स वर्सेज स्पिनर्स अगर आप देखेंगे 39:16 का रहा है। और तो और दोस्तों, इस साल वुमेन बीबीएल में इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। 3rd मैच अभी चल रहा है और 4th मैच जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यही मैच होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 मैचेस खेले गए हैं इस साल, सिडनी सिक्सर्स एंड मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच में फर्स्ट मैच खेला गया था। यहाँ पे जो दोपहर वाला मैच था वहाँ पे पिच में थोड़ा बहुत ग्रिप देखने को मिला फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स के लिए, तो स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छे डोमिनेट किए थे। एंड सेकेंड इनिंग में चेस बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। विथ टाइम यहाँ पे बैटिंग करना आसान हो जाता है, जितना लाइव मैच देख के मुझे समझ में आया। प्लेयर्स के इंटरव्यू से भी मुझे वही चीज़ पता चला। जो यहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स एंड सिडनी थंडर वुमेन के बीच में मैच हुआ था, ये टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। सोफी डिवाइन एंड बेथ मुनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए, काफ़ी सूझबूझ से बैटिंग किया था। और सिडनी थंडर वुमेन का बैटिंग ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं था तो कोलैप्स हो गया इनका, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता। यहाँ पे देखिए, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स कितने बढ़िया परफॉर्म किए थे और यहाँ पे पेसर्स को भी दोनों इनिंग में काफ़ी अच्छा विकेट मिला था। दोस्तों, दोनों इंडिविजुअल टीम्स के बारे में बात कर लेंगे। पहले हम होबार्ट हरिकेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फिलहाल ये 6th पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे। 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक ही जीत पाए हैं, 2 हारे हैं और 9 रिजल्ट रहा है, 1 बारिश के कारण एबंडन हो गया था। जो फर्स्ट मैच इन्होंने खेला था 121 पे आउट हो गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। मेलबोर्न रेनेगेड्स वुमेन आसानी से टारगेट को चेस कर लिए थे। रेचल प्रेस्ट बैटिंग फर्स्ट करते हुए 21 किए थे। आर जॉनस्टन उनके साथ ओपनिंग किए थे, 20 किए थे। मैग्नन डुप्रीस कंसिस्टेंटली नंबर 3 पे खेल रही हैं, 5 किए थे उस मैच में। रीचा घोष 21 की थी। निकोला कैडी 4 ओवर + 8 रन। नायम स्टेलनबर्ग नंबर 5 नंबर 6 पे आ रही हैं, 28 की थी। साशा मोलोनी 1 ओवर + 0 रन। मॉली स्ट्रैनो 4 ओवर की थी, विकेटलेस गई थी इस मैच में। बेलिंदा विकरेवा को 2 विकेट मिला था। टाइला व्लेमेनिक विकेटलेस गई थी बट काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी। एम एस स्मिथ, हमेशा बॉलिंग सेकेंड में इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है।
सेकेंड मैच में होबार्ट हरिकेन्स वुमेन को फिर से बैटिंग फर्स्ट करने को मिला 125/9। सिडनी सिक्सर्स वुमेन आसानी से टारगेट को चेज कर दिए थे। रेचल प्रेस्ट ऊपर से फिर से फ्लॉप हो गए थे। आर जॉनस्टन 10 रन प्लस 2 ओवर भी की थी। मैग्नन डुप्रीज इस मैच में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। रिचा घोष इस मैच में 46 की थी। निकोला कैरी 12 रन और 1 विकेट। नामे स्टेलनबर्ग का 1 रन। शाशा मोलोनी 22 की थी नीचे आके। मॉली स्ट्रैनो 11 रन प्लस बोलिंग सेकेंड करते हुए 3 विकेट निकाली थी। वेलिंद वेकर विकेटलेस गई थी। टाइलर ब्लेमेनिक को 1 विकेट मिला था। एमएस स्मिथ विकेटलेस गई थी। दोस्तों जो थर्ड मैच इन्होंने खेला था, फिर से बैटिंग फर्स्ट किया था होबार्ट हरिकेन्स वुमेन ने। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ। 152/4 किया, विकेट्स इन्होंने कम लॉस किया क्योंकि ऊपर से रेचल प्रेस ने 107 नॉट आउट किया था उस मैच में। इनका कैप्टन है इस साल का। आर जॉनस्टन 2 रन किए थे। मैग्नन डुप्रीस कुछ खास नहीं कर पाए। निकोला कैरी नीचे आके थोड़ा बहुत सपोर्ट दी थी, बट बॉलिंग से देखिए आर जॉनस्टन 4 विकेट निकाली थी। निकोला कैरी 2 विकेट निकाली थी। मॉली स्ट्रैनो 2 विकेट निकाली थी। इधर से नीचे आएंगे ब्लेमेनिक एंड एमिस स्मिथ, दोनों एक एक विकेट निकाली थी। तो बैटर्स एंड बॉलर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा था। स्पेशली अगर इनको अच्छा परफॉर्म करना है तो विद द बैट रेचल प्रिस्ट इनके कैप्टन को कंसिस्टेंटली अच्छा करना होगा। मैग्नन डुप्रीस जैसे बड़े प्लेयर को रन में आना होगा। रिचा घोष को चिप इन करना होगा। निकोला कैरी को भी नीचे आकर अच्छा खासा हिटिंग करना होगा, तो ही इनका टीम जो है प्रॉपरली अच्छा कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट मैच खेला गया था होबार्ट हरिकेन्स वुमेन के द्वारा, वो अबंडन हो गया था बारिश के कारण। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे आपको 11 से 12 ओवर का मैच देखने को मिला था, जहाँ पे 107/5 किए थे होबार्ट हरिकेन्स वुमेन। सेकेंड इनिंग में कोई भी बैटिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे रेचल प्रीस्ट बैटिंग फर्स्ट करते हुए 13 रन पे आउट हो गई थी। आर जॉनस्टन 2 रन की थी। मैग्नन डुप्रीस फाइनली रन्स में आई थी एंड 39 की थी। तो लास्ट मैच का कॉन्फिडेंस लेके इस मैच में आएंगी, इस मैच में भी अच्छा कर सकती हैं। निकोला कैरी 19 की थी। नामे स्टेलनबर्ग 21 नॉट आउट की थी। दोस्तों यहां पे ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस को देखते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के इसको वाइट कर दीजिएगा और इसके बगल वाला जो बेल बटन आएगा उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। दोस्तों ब्रिस्बेन हीट वुमेन अब तक का बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं। 4 मैचेस में से 2 जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 नो रिजल्ट रहा है बारिश के कारण। फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे। फर्स्ट मैच जो उन्होंने खेला था सुपर ओवर में जाके हार इनको नसीब हुआ था। पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन ने बैट फर्स्ट करते हुए 137/7 किया था। ब्रिस्बेन हीट वुमेन 137/9 किया था। ग्रेस हैरिस 41 किए थे, ओपनिंग कर रहे हैं प्लस कंसिस्टेंटली राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। जॉर्जिया रेडमाई ने विकेट कीपर 18 किए थे ओपनिंग करते हुए। जेस जोनासन 18 प्लस 3 विकेट निकाले थे। जॉर्जिया वॉल 12 किए थे। ए बॉश 14 किए थे। एल किमिंस 8 किए हैं। एम हेंकली यहां पे 1 रन। एंडी क्लार्क जो 3 ओवर बॉलिंग किए थे विकेटलेस गए थे। जी प्रेस्टविच का 1 विकेट। निकोला हैंकॉक काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, 1 विकेट निकाले थे। पूनम यादव 2 विकेट निकाले थे। अब दोस्तों सेकेंड मैच में क्या हुआ, वही पर्थ स्कॉर्चर्स जब चेस करने आए और वही ब्रिस्बेन हीट जब बैटिंग फर्स्ट करते हुए 162/5 काफ़ी अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे टांग दिए थे एंड पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन को 103 रन पे ही रोकने में सफल हो गए थे। जी हैरिस 34 किए थे प्लस 3 ओवर बॉलिंग। जॉर्जिया रेडमाई ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 59 का औसम पारी खेली थी। जी वॉल 24 की थी नंबर 3 पे आके। लॉरा किमिंस 9 रन, ए बॉश 3 रन और 1 ओवर। जेस जोनास 1 विकेट प्लस 19 नॉट आउट। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए निकोला हैंकॉक और पूनम यादव 5 विकेट निकाली थी दोनों मिलके। दोस्तों ये वाला मैच में क्या हुआ था कि बारिश के कारण मैच छोटा हो गया था। सिर्फ 11 ओवर का मैच हुआ था। ब्रिस्बेन हीट ने बैटिंग फर्स्ट किया, 104/5 किया और एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन को 99 रन पे ही रोकने में सफल हो गए थे। यहाँ पे जी हैरिस 16 किए थे, जेस जोनासन 9 रन किए थे। जॉर्जिया रेडमाई ने फिर से देखिए बैटिंग फर्स्ट में 28 किए हैं। यहाँ पे ई जॉनस्टन को इस मैच में मौका मिला, 9 किए थे। जॉर्जिया वॉल नीचे आके 31 नॉट आउट किए थे। यहाँ पे देखिए निकोला हैंकॉक 2 ओवर किए हैं, विकेटलेस गए हैं। जेस जोनासन यहाँ पे बॉलिंग सेकेंड करते 2 विकेट निकाली हैं। प्रेस्टविच 2 विकेट निकाली थी। जी हैरिस यहां पे विकेटलेस गई थी प्लस 2 ओवर की थी प्लस ओपनिंग भी करती हैं, ठीक है। पूनम यादव यहां पे विकेटलेस गई थी।
अब दोस्तों बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस का, मतलब जब जब ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं कौन से अच्छे प्लेयर जो हैं उभर के आते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए जो लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया है वहाँ पर ब्रिस्बेन हीट वुमेन 4 बार जीता है, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन एक भी मैच नहीं जीत पाया है और नो रिजल्ट रहा है एक मैच बारिश के कारण। जो फर्स्ट मैच खेला गया था इन दोनों टीम्स के बीच में वहाँ पर ब्रिस्बेन हीट वुमेन ने बैट फर्स्ट किया 38/8 की और होबार्ट को सिर्फ 80 रन पे ही रोकने में सफल हो गए थे। ग्रेस हैरिस का परफॉर्मेंस देखते हुए जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीबीसी ऑप्शन ग्रैंड लीग में होने वाले हैं। ग्रेस हैरिस ओपनिंग करते हुए 38+1 विकेट निकाले थे सिर्फ 8 रन देके 3 ओवर में। यहाँ पे आपको इकोनॉमी का भी पॉइंट्स मिलेगा ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन पे। जेस जोनासन 15 रन और 2 विकेट, लॉरा किमिंस 1 रन, जे बार्सबाई जो फिलहाल टीम का पार्ट नहीं है और भी एक स्पिनर है 2 विकेट निकाले थे। जी रिडमाई ने तब होवार्ट की तरफ से खेलते थे 9 किए थे एंड साशा मोलोनी 13 रन और 2 ओवर किए थे। अब दोस्तों जो सेकेंड हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे होबार्ट ने बैट फर्स्ट किया सिर्फ और सिर्फ 123 रन तक कर पाए एंड ब्रिस्बेन हीट आसानी से टारगेट को चेस कर दिए थे। हीदर नाइट 61 नॉट आउट फिलहाल नहीं है, निकोला कैरी 20 रन और 1 विकेट, विलिंद वेकडेवा यहाँ पे 1 विकेट निकाले थे, टाइलर ब्लेमेनिक भी 1 विकेट निकाले थे, दोनों 4 ओवर किए थे। इसीलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। ग्रेस हैरिस यहाँ पे 4 रन प्लस 2 ओवर में 22 रन खर्च दिए थे। जेस जोनासन का देखिए 4 विकेट रहा था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि डेथ में 16 ओवर से 20 ओवर के बीच में ये अपना एक ओवर जरूर रखती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। लॉरा केमेंस 5 रन किए थे, प्रेस्टविच का कोई विकेट नहीं रहा था। जो थर्ड हेड टू हेड मैच हुआ था ना वहां पे ब्रिस्बेन हीट वुमेन ने बैट फर्स्ट किया 157/9 किए, होबार्ट हरिकेन्स चेस नहीं कर पाए। जेस जोनासन 29 रन प्लस कोई विकेट नहीं, ग्रेस हैरिस 43 यहाँ पे कोई विकेट नहीं, लॉरा किमिंस 18, जी प्रेस्टविच का एक विकेट रहा था, यहाँ पे साशा मोलोनी 18 किए थे होबार्ट के तरफ से, निकोला कैरी विकेटलेस गई थी प्लस 5 रन, वेलिंद वेकड़ेवा का देखिए 3 विकेट, ताहिला ब्लेमेनिक 2 विकेट। इसीलिए फिर से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों जो लास्ट हेड टू हेड मैच खेला गया था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में वहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स वुमेन सिर्फ 82 पे ही ऑल आउट हो गए थे और ब्रिस्बेन हीट वुमेन 10 विकेट से मैच को जीत लिए थे। अब देखिए होबार्ट हरिकेन्स वुमेन की तरफ से रेचल प्रिस्ट ओपनिंग किए थे जो फिलहाल इनके कैप्टन हैं, 14 रन किए थे, जेस जोनासन के बॉल पर आउट हो गए थे। अब देखिए जेस जोनासन पावर प्ले में डालेंगी, रेचल प्रिस्ट का सामना इस बार भी इनको होने वाला है। अब देखिए रेचल प्रिस्ट किस तरीके के बैटर हैं, राइट हैंड बैटर हैं, अटैक करते हैं और क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, स्टेप आउट करके खेलते हैं, तो इस मैच में भी ये स्टंप हो सकते हैं जेस जोनासन के बॉल पे। अब जेस जोनासन इनके बॉडी से बॉल को दूर लेके जाएगी, बाय चांस अगर एक बॉल मिस हो गया और अगर कीपर जो है बॉल को अच्छे से ग्रैब कर लिए तो वो स्टंप कर सकते हैं या फिर एलबीडब्ल्यू बोल्ड का भी खतरा रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। जेस जोनासन से थोड़ा बहुत खतरा रेचल प्रिस्ट को इस मैच में रहेगा, तो अब रेचल प्रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी निकोला कैरी को हैंकॉक ने आउट किया था, 3 ओवर डाली थी निकोला कैरी और विकेट नहीं निकाल पाई थी। वेलिंद वेकड़ेवा काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी बट विकेटलेस रही थी, एम स्मिथ भी विकेटलेस रही थी इस मैच में। ग्रेस हैडिस 23 नॉट आउट प्लस 1 विकेट ली थी, जॉर्जिया रेडमाई ने 61 नॉट आउट की थी, जॉर्जिया रेडमाई ने फिर से ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन इस मैच में। निकोला हैंकॉक 2 विकेट निकाली थी, जी प्रेस्टविच 1 विकेट निकाली थी, जेस जोनासन फिर से 2 विकेट निकाली है। दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में जिस तरीके का रिकॉर्ड जॉर्जिया रेडमाइन रखते हैं अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स वुमेन अपना जो एक्स टीम है उनके अगेंस्ट, तो मुझे लगता है जॉर्जिया रेडमाइन ने वुमेन को लेना ही चाहिए, तो जॉर्जिया रेडमाइन को फिलहाल मैं ले लूँगा। रेचल प्रिस्ट को मैं फिलहाल नहीं लूँगा क्योंकि सामने जेस जोनासन होंगी, जैसे कि मैंने बोला इनको उनसे थोड़ा सा खतरा हो सकता है, तो रेचल प्रिस्ट के ऊपर मैं इस मैच में रिस्क लेने को तैयार हूँ क्योंकि होबार्ट हरिकेन्स वुमेन बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही हैं और ब्रिस्बेन हीट का बोलिंग ऑर्डर और बोलिंग अटैक काफी अच्छा है,
तो मुझे लगता है अगर जेस जोनासन जो है प्रेशर अच्छे से क्रिएट करती हैं तो बाकी बॉलर जो है रचल प्रेस्ट का विकेट ले सकते हैं इस मैच में। बैटिंग सेक्शन से मैग्नन डुप्रीस लास्ट मैच में 39 की थी, मुझे लगता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रही हैं। यहाँ पे न्यायम स्टेलनबर्ग 91% का सिलेक्शन है, नंबर 5 तक आ जाएंगी। अब देखिए अगर मैं टॉप ऑर्डर से रचल प्रेस्ट को छोड़ता हूँ तो मुझे नंबर 5 में आने वाली न्यायम स्टेलनबर्ग को लॉजिकली लेना बनता है, क्योंकि नंबर 3 पे मैग्नन डुप्रीस, नंबर 5 पे न्यायम स्टेलनबर्ग, यही आके तो पारी को संभाल लेंगी ना। बाकी यहां से जी वॉल जो ना कंसिस्टेंटली नंबर 3 नंबर 4 पे खेल रही हैं, इनको मैं लेना पसंद करूंगा। बाकी लास्ट मैच में अगर मैं बात करूं तो ई जॉनस्टन को खिलाया गया था जो कि नंबर 3 पे खेली थी जॉर्जिया वॉल लास्ट मैच में ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से, नंबर 3 में नहीं खेली थी। यह चीज आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है एंड याद रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग के बेहतरीन ऑप्शंस दोनों रह जाते हैं, लॉरा केमिन्स एंड ए बॉश। लॉरा केमिन्स का लास्ट ईयर जैसा कि मैंने परफॉर्मेंस देखा था, अब तक वैसा परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाई हैं। नीचे आके बेहतरीन हिटिंग करती है, अगर इनको 15 से 18 बॉल मिल जाए तो ये 35 रन तक बना सकती हैं, ऐसे अटैकिंग बैट्समैन हैं। बट अब तक जो 4 मैचेस हुए हैं अब तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, बट जिस मैच में ये चलेंगी अकेले ग्रैंड लीग जिताने का हिम्मत रखती हैं। बाकी ए बॉश जो है बेहतरीन ऑलराउंडर है, इनको ऊपर खिलाना चाहिए, जैसे कि मैंने ई जोन्स के अगेंस्ट भी बोला था कुछ मैचेस पहले, एंड ई जोन्स को अभी ओपनिंग करवा रही हैं। तो वैसे ही मैं ए बॉश के बारे में भी बोलूंगा, अगर ए बॉश जो है ओपनिंग करती हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन का टीम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे, जेस जोनासन आपको मिल जाएंगे 94% सिलेक्शन के साथ, ग्रेस हैरिस आपको मिल जाएंगी 93% सिलेक्शन के साथ, दोनों का रीसेंट फॉर्म प्लस जो हिट टू हिट रिकॉर्ड है मैंने आपको बताया है वीडियो के शुरुआत में ही एंड वीडियो के बीच में, तो आपको पता होगा इन दोनों को क्यों इस मैच में लेना है। निकोला कैडी को फॉर बीइंग द सेफेस्ट साइड आप इनको ले सकते हो एंड टीम में ज़रूर से रखिएगा, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देने का हिम्मत रखती हैं। और यहाँ पे आर जॉनस्टन जो कि पिछले से पिछले वाले मैच में 4 विकेट निकाली थी, डेथ में बॉलिंग की थी, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती हैं प्लस ओपनिंग करती हैं, अटैकिंग बैट्समैन है, इसीलिए फॉर बीइंग द सेफेस्ट साइड मैं इनको ले रहा हूँ। बट जिस तरीके के ब्रिस्बेन हीट वुमेन का बैटिंग ऑर्डर है, इनको इस मैच में विकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। इनको छोड़ के आप किसी ऐसे बॉलर को ले सकते हो जो कि डेथ में बॉलिंग करने आएंगी। दोस्तों यहाँ से मॉली स्ट्रैनो को मैं ले लूँगा, स्पेशली बॉलिंग सेकेंड करते हुए होबार्ट हरिकेन्स वुमेन को विकेट दिला सकती हैं, और ब्रिस्बेन हीट वुमेन का जो मिडिल ऑर्डर है एंड थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी ये दिक्कत दे सकती हैं। बाकी यहाँ से पूनम यादव कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रही हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकेंड करते हुए ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेग स्पिनर हैं। बाकी यहाँ से निकोला हैंकॉक ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल का, अब तक जितने भी 4 मैचेस हुए हैं निकोला हैंकॉक हाईएस्ट विकेट टेकर है, पूनम यादव सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, और क्योंकि ब्रिस्बेन हीट वुमेन का टीम ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं पूनम यादव एंड निकोला हैंकॉक दोनों को ही अपने टीम में रखने का कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे अगर होबार्ट हरिकेन्स वुमेन बॉलिंग फर्स्ट करती है ना, तो यहाँ पे मैं मॉली स्ट्रैनो को छोड़ के टाइलर ब्लामेनिक एंड वेलिन द विकडेवा दोनों को ही लेना पसंद करूँगा एंड अपने टीम में रखना पसंद करूँगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट वुमेन का अगर 4-5 विकेट या 6 विकेट तक गिरता है तो यहाँ पे इन दोनों बॉलर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी मैंने दिखाया है ये कैसे 2-2, 3-3 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड मैचेस में, तो ज़रूर से मुझे इनसे एक्सपेक्टेशन है इस मैच में। मैं शायद स्मॉल लीग के टीम में भी इनको लेकर रिस्क ले लूं, स्पेशली अगर होबार्ट हरिकेन्स वुमेन का टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो ये दोनों शुरुआत में भी डालेंगे और डेथ में भी डालेंगे। बाकी दोस्तों फिलहाल मेरा ड्रीम 11 टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इस मैच का फाइनल टीम मैं शेयर कर दूंगा डेडलाइन के ठीक 5 मिनट पहले, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं कभी भी नहीं बोलता मेरे फाइनल टीम को यूज़ कीजिए, क्योंकि किसी दिन अगर मेरा बुरा दिन हो तो आप भी मैच को डायरेक्टली हार जाएंगे। आप खुद का नॉलेज यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वीडियो में, इस एनालिसिस को यूज़ कीजिए, इसके बलबूते पर आप अपना टीम बना सकते हैं खुद के दिमाग को लगा के।
बाकी दोस्तों यहाँ पे सीवीसी के बारे में बात कर लेंगे तो स्मॉल लीग में कैप्टन मेरा होने वाले हैं जेस जोनासन, वाइस कैप्टन ग्रेस हैरिस को मैं देने वाला हूँ इस मैच में। जॉर्जिया रेडमाइन है वाइल बैटिंग फर्स्ट, बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। निकोला हैंकॉक भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो बहुत अच्छी सीवीसी ऑप्शन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स वुमेन का जो बैटिंग ऑर्डर है ना उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो निकोला हैंकॉक को अगर डेथ ओवर्स में टेल एंडर्स मिल गई सामने तो अच्छे विकेट निकाल सकती हैं निकोला हैंकॉक भी। दोस्तों होपफुली वीडियो में जो आपको मैं समझाना चाहता था मैं समझा पाया हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, क्योंकि पूरा वुमेन बीबीएल हम कवर कर रहे हैं, तो वुमेन बीबीएल के थ्रू से अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।